गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैथ। और मैथ में आपको मैं सिखा रही हूँ एडिशन। एडिशन मीन्स होता है जोड़ना। तो देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ 5 नंबर है, नीचे 2 नंबर है। तो देखिए, इसको हम नंबर यहाँ लाइन खींच लेंगे। जैसे 5 नंबर है तो 5 लाइन खींचेंगे, तो यहाँ 5 लाइन खींचे हैं, और यहाँ नीचे है 2 नंबर तो 2 लाइन खींचे हैं। अब इसको सबको एक साथ गिनना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ, 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 नंबर। इधर है द नेक्स्ट नंबर, देखिए यहाँ क्या है, 6 है, 6 नंबर, और नीचे 3 नंबर। तो यहाँ 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना है, 3, तो नीचे 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब क्या करेंगे, अब सारे को एक साथ काउंट करेंगे। तो देखिए, अब इसको सारे को एक साथ काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ, तो 9 नंबर हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9। अब यहाँ देखिए कौन सा नंबर है, 4, नीचे भी 4 है और ऊपर भी 4 है। तो चलिए, अब हम 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4, नीचे कितना है, 4, तो फिर 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब सारे नंबर को गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 8, तो क्या लिखेंगे, 8 नंबर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 3, नीचे भी 3 ऊपर भी 3 है, तो फिर क्या करेंगे, 3 लाइन यहाँ खींचेंगे, 1 2 3, नीचे कितना है, 3, तो फिर 3 लाइन फिर से खींचेंगे, 1 2 3। अब क्या करेंगे, इसको फिर से काउंट कर लेंगे सारे को एक साथ, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ बच्चों, 6 नंबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर कितना है, 2, नीचे है 3, तो यहाँ कौन सा लाइन खींचेंगे, कितना लाइन खींचेंगे, 2 लाइन, 1 2, नीचे कितना है, 3, तो 3 लाइन नीचे खींचेंगे, 1 2 3। अब इस सारे को फिर से काउंट कर लेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5, कितना हुआ, 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 नंबर। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर देखिए कितना है, 7, नीचे कितना है, 2, तो यहाँ कितना लाइन खींचेंगे, 7 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितना है, 2, तो यहाँ 2 लाइन खींचेंगे। अब यहाँ देखिए सारे को फिर एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ बच्चों, 9 नंबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर देखिए कितना है, 3, और नीचे है 1, तो यहाँ कितना लाइन खींचेंगे, 3, 1 2 3, नीचे कितना है, 1, तो सिर्फ 1 लाइन खींचेंगे। अब सारे को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितना हुआ बच्चों, 4, तो यहाँ 4 नंबर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कितना नंबर है, ऊपर ऊपर भी 1, नीचे भी 1, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 1 लाइन ही खींचेंगे, 1 1। अब इसको गिनेंगे एक साथ, पूरा काउंट करेंगे एक साथ, 1 2, तो यहाँ कितना हुआ, 2 नंबर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 2, नीचे भी 2 है, तो क्या करेंगे, 2 लाइन ऊपर खींचेंगे, 1 2, और नीचे कितना लाइन खींचेंगे, 2, तो 2 नीचे भी खींच दिए। अब सारे को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितना हुआ बच्चों, 4 नंबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4। अब नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है, 7, तो यहाँ कितना लाइन खींचेंगे, 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7,
नीचे कितना लाइन खींचना है बच्चों? थ्री, नीचे है थ्री नंबर तो थ्री लाइन खींचना है, वन टू थ्री। अब सारे को एक साथ काउंट करेंगे फिर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। कितना नंबर हुआ? टेन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेन। देखिए बच्चों, इसी तरीके से आपको एडिशन बनाना है। तो देखिए अब हम आपको फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं कि क्या करना है एडिशन में। जैसे यहाँ फाइव नंबर है, नीचे टू नंबर है, तो यहाँ क्या करेंगे? फाइव लाइन खींचेंगे और नीचे टू लाइन खींचेंगे और सारे को एक साथ काउंट करना है। जैसे यहाँ लाइन हम खींचे हुए हैं, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, नीचे टू लाइन खींचा हुआ है, तो फाइव के बाद क्या हुआ? सिक्स सेवन, तो यहाँ क्या लिखे? सेवन नंबर। उसी तरह इधर नेक्स्ट नंबर में क्या है? सिक्स, और नीचे है थ्री नंबर, तो यहाँ सिक्स लाइन खींचेंगे और नीचे थ्री लाइन खींचेंगे। फिर क्या करेंगे? सारे को एक साथ काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर लिखना है। तो यहाँ सारे नंबर को काउंट करने के बाद नाइन नंबर आया, तो नाइन नंबर लिखे हैं। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर देखिए, फोर है, नीचे भी फोर है, तो यहाँ फोर लाइन खींचे, फिर नीचे भी फोर लाइन खींचे। सारे को काउंट करने के बाद कितना नंबर आया? एट, तो यहाँ लिखे एट। अब यहाँ देखिए थ्री नंबर है, नीचे भी थ्री है, तो यहाँ थ्री लाइन खींचे और फिर थ्री लाइन खींचे, और सारे को एक साथ काउंट करने के बाद कितना नंबर आया? सिक्स, तो लिखे फिर सिक्स। देखिए बच्चों, यहाँ टू नंबर है, यहाँ थ्री नंबर है, तो टू लाइन ऊपर खींचे और नीचे थ्री लाइन, तो सारे को काउंट करने के बाद कितना नंबर आया? देखिए हम आपको बताते हैं कैसे गिनना है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव आया, तो यहाँ क्या लिखे हम? फाइव। अब यहाँ देखिए सेवन नंबर है, फिर नीचे टू नंबर है, तो यहाँ सेवन लाइन खींचे, फिर नीचे टू लाइन खींचे, सारे को काउंट करने के बाद कितना नंबर आया? नाइन, तो क्या लिखे? नाइन। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर देखिए कितना है? थ्री, नीचे है वन, तो थ्री लाइन खींचे और नीचे वन लाइन खींचे, सारे को काउंट करने के बाद कितना नंबर आया? फोर, तो फोर लिखे। अब यहाँ देखिए वन नंबर ऊपर, नीचे भी दो वन नंबर है, तो वन नंबर नीचे किए और लिखे, उसके बाद उसको गिने तो कितना नंबर आया? टू। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर देखिए, टू नंबर है, नीचे भी टू है, तो यहाँ क्या किए? टू लाइन इधर ऊपर खींचे, टू लाइन नीचे खींचे, सारे को काउंट करने के बाद कितना नंबर आया? फोर, तो यहाँ फोर नंबर लिखे। अब यहाँ देखिए सेवन नंबर है, नीचे थ्री नंबर है, तो यहाँ क्या किए? सेवन लाइन खींचे, नीचे थ्री लाइन खींचे, तो सारे को एक साथ काउंट किए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो यहाँ टेन नंबर लिखे। इसी तरीके से आप घर में बनाइएगा और याद भी कीजिएगा, इसको रिवाइज भी करते रहिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।